the doctors, everybody here. I've also gotten to meet some of the soldiers and the first responders, and what a group. I also think we're going to pay a little surprise to some of the great patriots that we have out on the street. And they've been out there for a long time, and they've got Trump flags, and they love our country. So I'm not telling anybody but you, but I'm about to make a little surprise visit. So perhaps I'll get there before you get to see me. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it, and I understand it. को खादी की कुल मिलाकर 1,02,19,496 रुपए की बिक्री दर्ज हुई, जो कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बहुत अधिक है। पिछले साल 2 अक्टूबर को इस बिक्री केंद्र से कुल 1.27 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर अपने सभी उत्पादों पर 20% की विशेष प्रथागत छूट देने की शुरुआत की है। पीएम मोदी की खादी खरीदने की लगातार अपील के कारण बड़े पैमाने पर खादी की बिक्री हुई है। इसके अलावा जनता में, विशेष रूप से युवाओं में खादी की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने भी इसमें योगदान दिया है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी अवसंरचना प्रणाली, युवा आबादी और मांग को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर निर्भर हो। इस हिसाब से अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया। व्यापारिक समुदाय विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान से लाभान्वित होंगे, क्योंकि भारत में बनी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में बिकेंगी, जिससे कीमतों में कमी आएगी और देश उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाएगी। इससे अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होगा तथा लोगों में समृद्धि आएगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। सरकार ने पहले ही कई आयातित मदों जैसे अगरबत्ती, खेल के सामान, टीवी, टेलीफोन, टायर आदि पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिन्हें देश में आसानी से उत्पादित किया जा सकता है। सरकार का अनुमान है कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के बराबर के आयातों का स्वदेशी रूप से उत्पादन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से वोकल फॉर लोकल की अपील को आगे बढ़ाने को भी कहा है। देश में माल ढुलाई में अग्रणी रेलवे ने आत्मनिर्भर भारत को परिवहन मुहैया कराने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रेलवे ने पार्सल ट्रेन, किसान ट्रेन चलाने, मालगाड़ियों की तेज आवाजाही, गुड्स शेड का उन्नयन, विभिन्न रेल कार्यालयों में बिजनेस डेवलपमेंट सेल खोला है। ये वस्तुओं की आसान तथा किफायती आवाजाही में सहायता पहुंचाएंगे। वित्त मंत्रालय का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ने अच्छी प्रगति की है। ये स्कीम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और मॉनेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए लाई गई। 11 सितंबर तक 90 करोड़ रुपए के 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं इस योजना के तहत 10 सितंबर तक 25 लाख एमएसएमई को 1,18,000 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया जा चुका है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से एमएसएमई इकाइयां प्रभावित हुई हैं। ये योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मई में घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा है। बैंकों ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों तथा सूक्ष्म वित्त कंपनियों के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत 25,055 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो की खरीद को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ने अच्छी प्रगति की है। केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड को लाकर श्रमिकों के हित में एक बड़ा काम किया है। सरकार ने कहा है कि नए लेबर कोड की वजह से पूरे देश में एक जैसी न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही सभी श्रमिकों को समय पर भुगतान कराने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। इस समय न्यूनतम वेतन का फायदा सिर्फ 30% श्रमिक उठा पाते हैं। इसके साथ ही सभी मजदूरों की नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा। इसके साथ ही हर एम्प्लॉय का सालाना हेल्थ चेकअप अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि 2025 के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत देश के किसानों को उद्यमी बनाने के साथ साथ भारत को दुनिया के लिए फूड बास्केट बनाने की परिकल्पना की है। सरकार ने 2022 तक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुना बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। आत्मनिर्भर कृषि के लक्ष्यों में तीसरा लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करना है। इसके अलावा कृषि और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 100 करोड़ रुपए के निवेश पर नौकरियां पैदा हों। उम्मीद है कि सरकार के आत्मनिर्भर अभियान से आने वाले दिनों में देश बहुत सारे आयातित उत्पादों को खुद बनाने की क्षमता विकसित कर सकेगा और न केवल विदेशी मुद्रा का बचाव करेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी आमदनी का भी जरिया बन सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज़।